नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में आज वो बहुत सारी, सिर्फ सरकार बनावे ना सकला पर भी संसद विघटन होके के कानून भी सबके जिक्र। नेकपा माओवादी केंद्र से नेकपा एमाले प्रवेश कर स्थानीय तह के 14 जनप्रतिनिधि पदमुक्त, पदमुक्त होके वाला में ज्यादातर रौथट आ कैलाली के। नेपाली कांग्रेस ने 14वां महाधिवेशन के सरगर्मी बढ़ल, शीर्ष नेता सब अपन अनुकूल समीकरण खातिर बैठक में व्यस्त। चीन के एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में आगलागी भेला बाद कमती में 18 जने के मृत्यु, 16 जने घायल। आकोपा अमेरिका फुटबॉल अंतर्गत आज सवेरे भेल खेल में पाराग्वे आ उरुग्वे के जीत, चिली आ बोलिविया हारल। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में आज वो बहस सारी बाटे। संवैधानिक इजलास में सुख के शेरबहादुर देवा सहित विघटित प्रतिनिधि सभा के 146 जने सदस्य लोग से दायर कल गए रेट निवेदन ऊपर बहस होखत। अधिवक्ता सुनील पोखरेल सरकार बनावे खातिर ना सकला पर ही संसद विघटन होके के जिक्र कैले बानी हा। सरकार गठन खातिर दावी करे से पहले राष्ट्रपति में आधार पेश हो सकेला, लेकिन ओ आधार जांचे के ठाव कहल संसद ही रहल उहां के स्पष्ट कैले बानी। संविधान के धारा 76 के उपधारा 1, 2 आ 3 कहल जनता से सरकार बनावे के रास्ता रहल उनकर कहनाम बाटे। वही लेखा प्रधान न्यायाधीश सोलेंद्र शमशेर जबरा द्वारा प्रधानमंत्री से विश्वास के मत ना लिहम कहवाला ठाव कहाँ बा कह के शेरबहादुर देवबा तरफ के कानून व्यवसायी के सवाल कैले बानी। अधिवक्ता डॉक्टर दीन मणि पोखरेल के प्रधान न्यायाधीश जबरा ओ सवाल पूछले रहने। जवाब में अधिवक्ता डॉक्टर पोखरेल केपी शर्मा ओली से विश्वास के मत लेवे सखियन कि ना सखियन कह के देखे के काम राष्ट्रपति के ना भइल डॉक्टर पोखरेल के दावे बाटे। वही लेखा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अरियाल सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्ति आ संसदीय सुनवाई बिना ही शपथ खियावल के बदनीयत के हद कहले बानी। सुक्के रिट निवेदक के पक्ष से बहस करत अरियाल सभी कोण से बदनीयत रख के प्रधानमंत्री द्वारा शासन हो रहल बतावल गेल बा। मंत्रिपरिषद विस्तार में भी आपन मनमाफी किस्म से सर्वोच्च से रुकला बाद अभी आके 5 जने से कैसे चलावल जाए कह के अंतर्वार्ता देते चलल वहां के बतावले बानी। संविधान के धारा 76(5) के व्याख्या करके ही ना होखे के कहत वहां के राष्ट्रपति से भी संविधान के उल्लंघन होखे के सिम से भइल निर्णय बदर के आदेश जारी करेला भी मांग के लेबानी। नेकपा माओवादी केंद्र से नेकपा इमाले प्रवेश कैल स्थानीय तह के 14 जने जनप्रतिनिधि पदमुक्त भइल बानी लोग। निर्वाचन आयोग से आज एक सूचना जारी करत उलो के पदमुक्त भइल जानकारी करावल गेल हा। नेकपा माओवादी केंद्र के अनुरोध के आधार में उलो के पद रिक्त भइल आयोग जनौले बाटे। पदमुक्त होखे वाला में ज्यादातर रौथट आ कैलाली के बाटे लोग। आयोग के आषाढ़ 9 गति बैठल बैठक के निर्णय मुताबिक राजनीतिक दल संबंधी नियमावली 2074 के नियम 22 के उपनियम 2 आ 3 बमोजिम उलो के पदमुक्त कैल गेल हा। राजनीतिक दल संबंधी नियमावली 2074 में दल त्याग कैला पर पद स्वतः रिक्त होखे के व्यवस्था बाटे। इटली से नेपाल के कोविड-19 के इलाज और रोकथाम खातिर देहल आवश्यक सामग्री आज सवेरे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आ पुगल बा। यूरोपियन यूनियन के नागरिक सुरक्षा संयंत्र मार्फत इटली से नेपाल के 20 स्थान वेंटिलेटर, 6,000 आइसोलेशन गाउन आ 10,000 प्रोटेक्टिव स्वास्थ्य सामग्री सहयोग कैल गेल हा। नेपाल स्थित यूरोपियन यूनियन के राजदूत नोना डिप्रेस ओ स्वास्थ्य सामग्री आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के हस्तांतरण कैनी हा। ओ अवसर में राजदूत डिप्रेस यूनियन आ ओकर सदस्य राष्ट्रसभा नेपाल के वर्तमान विषम परिस्थिति में विभिन्न सहयोग हो रहल उल्लेख करत ओ सहयोग से कोविड-19 के इलाज आ रोकथाम आ नेपाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पुगे के धारणा व्यक्त कैले बानी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अपना निकट केंद्रीय सदस्य के बैठक बुलौले बानी।
महाधिवेशन के बारे में छलफल करे खातिर नेता पौडेल आज दोपहर बैठक बोलौले बानी हा। कांग्रेस में महाधिवेशन लगीचेला संघी नेतृत्व खातिर संस्थापन इतर समूह में नेतृत्व खातिर आकांक्षी के संख्या बहुते बाटे। 14वां महाधिवेशन में फिर सभापति में उम्मीदवारी दिवेवाला पौडेल के आकांक्षा बा। नेता पौडेल सामूहिक छलफल करके आगे बढ़े के बतौले बानी। पौडेल इससे पहले बीएफए खातिर बैठक बोलौले रहनी हा, लेकिन विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेता लोग से पत्रकार संगे अंतर्क्रिया कार्यक्रम करे के समय संगे सेम समय भइला बाद स्थगित भइल रहे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा फेर सभापति में आवे के तैयारी तीव्र बनौले बानी। उही रेखा इन्हें कांग्रेस के तीन प्रभावशाली नेता सबके बीच आज वो छलफल भइल बा। उपसभापति बिमलेन्द्र निधि, महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला और पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह के बीच कोइराला निवास महाराजगंज में छलफल भइल हा। पार्टी के 14वां महाधिवेशन में सहकारी करे के आ पार्टी के सुदृढ़ बनावे के विषय में बैठक में छलफल भइल बतावल गेल बा। इससे पहले सोमवार के निधि के निवास में नेता त्रय के बीच छलफल भइल रहे। पार्टी भीतर सर्वपक्षीय एकता खातिर संवाद जारी राखे के निर्णय मुताबिक आज छलफल हो रहा महामंत्री कोइराला के राजनीतिक सहयोगी भरत तिवारी जानकारी देने। कांग्रेस महाधिवेशन भादो सुरेश से 19 कते तक काठमांडू में होके किस्म से कार्यतालिका अनुमोदन कल गेल बा। अभी क्रियाशील सदस्यता अध्यावधि करे के काम हो रहा बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। देश के विभिन्न नदी सब में सूखे पानी के बहाव बढ़ सके के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देले बा। नारायणी, कर्णाली, महाकाली आ ओकर सहायक नदी सब में बहाव सामान्य घटपड़ होके के महाशाखा के कहना बाटे। कोशी आ ओकर छोट छोट सहायक नदी सब में बहाव उल्लेख्य बढ़े के आ कुछ छोट नदी में आकस्मिक बहाव होके सतर्कता त आसपास तक पुगे सके के पूर्वानुमान कल गेल बाटे। सवेरे के मापन मुताबिक कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली आ ओकर सहायक नदी सब में बहाव स्थिर अवस्था में रहल और सतर्कता त से नीचे रहल भी महाशाखा जनौले बाटे। लेकिन रात में बरखा होखे के आ कुछ नदी सब में आकस्मिक बहाव बढ़ सके वाला भइला से तटीय क्षेत्र में सावधानी अपनावे खातिर आग्रह कल गेल बा। आज पश्चिम राप्ती बबई में बहाव कुछ बढ़े के लेकिन सतर्कता त से नीचे होखे के अनुमान कल गेल बा। कंकाई, कमला, बागमती जलाधार के छोट छोट सहायक नदी में क्षणिक, मध्यम आ भारी बरखा होके बहाव बढ़े के आ कुछ छोट छोट नदी सब में आकस्मिक बहाव बढ़े के संभावना रहल महाशाखा जनौले बाटे। पालपा के निस्ती गांव पालिका से एंटीजेन परीक्षण करके ही गांव सभा संचालन कल गेल बा। गांव पालिका में बढ़ते गेल कोरोना संक्रमण के कारण गांव सभा में सहभागी के एंटीजेन परीक्षण करके निगेटिव आयल सबके ही सहभागी करावल गेल हा। गांव पालिका के ज्यादातर वार्ड में कोरोना संक्रमित के दर बढ़े लगला बाद सुरक्षित होखेला एंटीजेन परीक्षण कल गेल हा। कोविड-19 को संक्रमित भएको हुन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि मध्यनजर गर्ने गरी कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद गांव पालिका से वार्ड नंबर 1 के सील कल गेल बा। 43 जने के कल गेल परीक्षण में एक जने वार्ड अध्यक्ष सहित 4 जने के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। गांव पालिका द्वारा एंटीजेन परीक्षण करके ही गांव सभा में सहभागी करावल में सहभागी होखे वाला भी हर्षित रहे लोग। अत्यन्तै राम्रो सराहनीय छ र यो ठाउँमा कन्ट्रोल अझै नभइसकेको अवस्था र सबै सदस्य गाउँपालिका के बजेट में कोविड-19 रोकथाम आ नियन्त्रण खातिर अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेके भी जनावल गेल बा। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली बजारमै आज सुनाके भाव स्थिर बाटे आज छापा वाला सुनाके भाव प्रति तोला 90,500 निर्धारण कैल गेल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनाउले बा बीएफए के बी सुनाके भाव प्रति तोला 90,500 रुपैयाँ ही रहे उही लेखा तेजाबी सुनाके भाव प्रति तोला 90,000 रहे चानी के भाव भी प्रति तोला 5 रुपैयाँ से बढ़ल बा चानी प्रति तोला 1,300 में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनाउले बा भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार चीन के एक मार्शल आर्ट स्कूल में आग लागी भला बाद कमती में 18 जने के मृत्यु भल बा आज चीन के हेनान प्रांत स्थित झिचिंग शहर में भयल ई दुर्घटना में 16 जने घायल भेल बाड़न सन जिमध्ये 4 जने की अवस्था गंभीर रहल समाचार संस्था रॉयटर्स सनौले बा स्थानीय समय मुताबिक सवेरे 3 बजे आग लागे भेल रहे जान गवाबे वाला में ज्यादातर 700 बरिस के बाटे लोग आग लागे भेल बेरिया विद्यालय में 34 सने विद्यार्थी रहे आग लागे के कारण अभी तक स्पष्ट नइखे हो सकल अभी आग लागे नियंत्रण में आ चुकल बा लेकिन घटनास्थल में अभी भी दमकल सब रहल समाचार में जनावल गेल बा प्रहरी द्वारा स्कूल के संचालक के नियंत्रण में लेहल गेल बा चीन में समय समय में एक किस्म के आग लागे के घटना सब होती आ रहल बा खास करके पर्याप्त सुरक्षा मापदंड के प्रयोग ना कैल स्तरीय पूर्वाधार के अभाव के चलते ऐसन घटना सब होखेला कोविड 19 संक्रमण में वृद्धि भेला बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लॉकडाउन लागू कैल गेल बा मध्य सिडनी आ बंडी सामुद्रिक तट सहित पूर्वी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगावल बीबीसी जनौले बा बीतल डिसेम्बर एने से सिडनी में लॉकडाउन लागू भेल हा बहुते संक्रामक मानल कोरोना के डेल्टा प्रजाति भेटेला बाद ऑस्ट्रेलिया में वायरस नियंत्रण खातिर संघर्ष हो रहल बा आज मात्र 17 नया केस पहचान भेल बतावल गेल बा सिडनी में कुल 65 केस पुष्टि भेल बा सर्वसाधारण के घर में ही रहेला कहल गेल बा सभी राज्य में लॉकडाउन करे से संक्रमण बेसी देखल ठाव में ही लॉकडाउन करे के तैयारी रहल न्यू साउथ वेल्स राज्य के प्रमुख से बतावल गेल बा जुलाई 2 तारीख तक रहे वाला लॉकडाउन में लोग से अगला शनिचर से अत्यावश्यक काम में बाहर घर बाहर निकले के ना मिली सिडनी वासी के अभी शहर छोड़ेला रोक लगावल गेल बा अन्य ऑस्ट्रेलियाली शहर आ राज्य में सिडनी से भ्रमण करेला प्रतिबंध लगावल गेल बा बीतल डिसेम्बर एने सिडनी उच्च दर में संक्रमण वृद्धि भइल बाटे आप खेलकूद समाचार कोपा अमेरिका फुटबल अंतर्गत आज सवेरे भेल दोसर का खेल में पाराग्वे विजयी भेल बा पाराग्वे से चिली के 2-0 गोल अंतर से हरावल गेल हा पाराग्वे खातिर सामू आमिग्वेल अल्मिरोन एक एक गोल कैलन ओही लेखा आज सवेरे ही भेल दोसर खेल में उरुग्वे बोलिविया के 2-0 से हरौलक हा उरुग्वे के जीत में एडिनसन कावानी एक गोल कैलन त एक गोल आत्मघाती उपहार मिलल रहे अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में आज वो बहुत सारी सिर्फ सरकार बनावे ना सकला पर ही संसद विघटन होके के कानून बीच सके जिक्र निकपा माओवादी केंद्र से निकपा इमाले प्रवेश के लिए स्थानीय तह के 14 जनप्रतिनिधि पदमुक्त पदमुक्त होके वाला में ज्यादातर रौथट आ कैलाली के नेपाली कांग्रेस में 14वां महाधिवेशन के सरगर्मी बढ़ल शीर्ष नेता सब अपन अनुकूल समीकरण खातिर बैठक में व्यस्त चीन के एक मार्शल आर्ट स्कूल में आग लागी भेला बाद कमती में 18 जने की मृत्यु 16 जने घायल कोपा अमेरिका फुटबॉल अंतर्गत आज सवेरे भेल खेल में पाराग्वे आ उरुग्वे के जीत चिली आ बोलिविया हारल एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट JanataTelevision.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता नमस्कार